आज ही हमने बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म की रेसिपी तैयार की है, जो है कीमे वाली टॉफ़ी मिंस कैंडी हमने बनाई है। देखें आप कितनी अच्छी, कितनी मज़ेदार है। और ये हमने किस तरह बनाई है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी मज़ेदार यूनिक वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमने मिंस कैंडी को किस तरह तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते और खुश खुर्रम होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार यूनिक किस्म की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। सुनकर एक दफ़ा आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आज मैं बना रही हूँ कीमा टॉफ़ी। जी, मैं आज मिंस कैंडी बनाना, स्पाइसी किस्म की मिंस कैंडी बता रही हूँ आपको। ये मैं आपसे ये जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए आप देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। 300 ग्राम मैंने बीफ का कीमा ले लिया है, और एक कप मैदा है मेरे पास, छान लिया है मैंने उसको अच्छी तरह, और आधी चम्मच चाय की ज़ीरा है, और आधी चम्मच चाय की मैंने तकरीबन आधी चम्मच से थोड़ी सी कम अजवाइन ली है, और आधी चम्मच चाय की मैंने नमक ले लिया है। और ये मैं शामिल करती हूँ मैदे में, ठीक है जी। तो अब देखते हैं जी, 300 ग्राम हमारे पास कीमा है, बीफ का बड़ा कीमा है हमारे पास, एक कप मैदा है, उसमें मैंने आधी आधी चाय की चम्मच जो है ज़ीरा, अजवाइन और नमक शामिल कर दिया है। इसके अलावा एक अदद दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, और बहुत ही बारीक चॉप किया है मैंने, 5-6 कलियाँ जो हैं वो लहसुन की, 2 अदद टमाटर है हमारे पास, थोड़े से मेल्ट हो जाते हैं, फ्रीज हैं ये, फ्रीज थे, थोड़े से मेल्ट होते हैं, तो मैं इसको काट लूँगी। मसाला जात में हमारे पास 1 चाय का चम्मच जो है वो मोटा मोटा मैंने क्रश कर लिया है साबुत धनिया, आधी चाय की चम्मच है पिसा हुआ गरम मसाला, आधी चाय की चम्मच है ज़ीरा, आधी चाय की चम्मच है हल्दी, आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ले लिया है, आधी चाय की चम्मच पिसा हुआ धनिया है, आधी चाय की चम्मच मैंने ले ली है लाल मिर्च पाउडर, और 1 चाय की चम्मच चिली फ्लेक्स है। तो ये हो गए हमारे मसाला जात। अब हम सबसे पहले तो है डो तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने 1 कप मैदे में आधी आधी चाय की चम्मच नमक, ज़ीरा और अजवाइन शामिल किया है। अब हम 3 चम्मच इसमें खाने के 3 चम्मच जो है वो घी शामिल करते हैं, ताकि डो जो है वो बहुत ही खस्ता बने तैयार होने के बाद। ये देखें, 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें घी शामिल किया है, और इसको अब हम करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथों से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है। ठीक है जी, देखें जी अच्छी तरह मिक्स कर दिया है हमने इसको। अब आप ये देखें कि जब मैं इस तरह इसको मुट्ठी बंद करूंगी तो ये इस तरह बंधा हुआ ही रहे, तो ये इसका मतलब ये है कि हमारी डो जो है वो तैयार है गूंदने के लिए। तो अब हम इसकी एक सख्त सी डो बना लेते हैं, पानी थोड़ा सा शामिल करके। आप देखें कि इस तरीके से हाथों की मदद से इसको इस तरह गूँध लें अच्छे तरीके से। तकरीबन 5 से 6 मिनट आप गूँधेंगे तो ये बहुत ही अच्छी सी एक नरम सी डो जो है वो तैयार हो जाएगी आपकी। इसको आपने इस तरह टाइट रखना है, थोड़ा सा टाइट बनाना है आपने इसको। तो इस तरीके से जो है वो आपकी डो तैयार हो जाएगी। जितना अच्छा आप इसे गूंदेंगे उतनी अच्छी आपकी रिजल्ट आएगा, आपके आप जो भी बना रहे हैं इस डो से उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये बिल्कुल समोसे वाली डो है, ठीक है। तो ये तकरीबन तैयार हो गई है डो हमारी। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है वो रख देते हैं ढककर। देखिए हमारी डो जो है वो तकरीबन तैयार है, अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं ढककर। तो जी हमने ढककर रख दिया है आधे घंटे के लिए। अब हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने 2 खाने के चम्मच घी डाल दिया है। घी, ऑयल आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो 2 खाने के चम्मच ले लें। घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें लहसुन जो है चॉप किया हुआ डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट चला लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी है, इंशाल्लाह
आप जब बनाएंगी तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, और अगर आपके मेहमान आ जाएं तो तब भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, और इंशाल्लाह आपकी वाहवाह हो जाएगी, आपको दाद मिलेगी। बहुत बहुत अच्छी रेसिपी है। लहसुन हो गया है फ्राई, रंगत बदल गई है, अब प्याज शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई करते हैं इसका कलर बदलने तक। प्याज की रंगत जी देखिए तब्दील हो गई है, हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ रंगत तब्दील करनी है। अब डालते हैं टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और थोड़ा सा टमाटर को मेल्ट होने तक, थोड़ा सा नरम होने तक इसको पकाते हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो 2 मिनट में ही तकरीबन मेल्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर कीमा शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको भूनते हैं अच्छे तरीके से। कीमा जी 2 से 3 मिनट मैंने भूना है, तो इसकी रंगत देखें आप तब्दील हो गई है। अब हम इसमें शामिल करते हैं तमाम स्पाइसेस। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप मिर्चों और गरम मसाले की तादाद जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों ने भी खाना है तो फिर इतना ही ठीक है। और आप इस मिंस कैंडी को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बनाकर आप फ्रीज़ कर दें शाम की चाय के साथ, बच्चों को लंच बॉक्स में, या मेहमान आ जाएं तो आप फटाफट निकालें, फ्राई करें और तैयार। बस आपने वाहवाह समेटनी है सिर्फ, अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे जी। 7 से 8 मिनट भूनने के बाद कीमे का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं अब, और इसको ठंडा होने के लिए किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए जी हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए, और जब तक जो है हम अपनी डो से रोटियां बेलते हैं। देख सकते हैं डो हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार है, अब हम इसके पेड़े बनाते हैं, बना लिए हैं, अब हम इसकी रोटी जो है वो बेलते हैं, बिल्कुल समोसे की तरह, जैसे समोसे की रोटी पतली सी बेलते हैं, इस तरह हम थोड़ा सा स्प्रिंग करेंगे मैदा और इसकी बिल्कुल पतली सी रोटी बेलते हैं। देखिए हमने बिल्कुल समोसे की तरह रोटी बेल ली है, इसकी आप मोटाई देख सकते हैं कितनी है। अब हम इसको जो है वो इस तरीके से इसको शेप देते हैं, साइड हम काट देते हैं ताकि हमारे पास एक बिल्कुल चकोर जो है वो बच जाए। ठीक है जी, ये हम साइड पे कर देते हैं, देखिए। और अब हम इस तरीके से इस साइज में इसके पट्टियां काटते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी कैंडी किस तरह बनानी है जी। पट्टी के बीच में इस तरह रखना है थोड़ा सा कीमा, और इन साइडों पे लगा लेना है पानी। ठीक है, ये देखें एक हाथ से मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और अब हम इसको एक साइड से इस तरह पलटेंगे, मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। हमने बंद कर दिया है, और अब हम यहाँ पर इसको करेंगे थोड़ा सा प्रेस। ठीक है, और इसमें हम पानी लगा के थोड़ा सा इसको बंद कर देंगे, और ये देखें ये हमारी हो गई है कैंडी तैयार। यहाँ से भी हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और एक बल दे देंगे इसको। मुझे एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपको दिखाना, लेकिन आप समझदार हैं, आप खुद समझ जाएंगे। ये देखें इसको थोड़ी सी इस तरह शेप दे दें ताकि ये बिल्कुल कैंडी लगे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से भी ये इस तरह इसको ट्विस्ट कर दें। ये देखें ये बन गई है हमारी कैंडी, और मैं आपको तमाम बनाकर अभी दिखाती हूँ। ठीक है, अभी हम इसी तरह तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने रखा बीच में कीमा, और इसको बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे हम ताकि हमें मसला ना हो। इस तरह पानी लगाएंगे साइडों पर, फुल पानी लगा लेंगे ऊपर से नीचे तक, और इन साइडों पर भी पानी लगा लेंगे। अच्छे तरीके से पानी लगाने के बाद जो है,
अब हम इसको फोल्ड करते हैं, देखें इसी तरीके से एक साइड इधर से और थोड़ा सा खींचने के बाद एक साइड से यहाँ, ये इस तरह हम इसको बंद करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हम ट्विस्ट देंगे इसको इस तरीके से, और ये देखें इसी तरीके से, देखिए जी इस तरीके से जो है वो मैंने तमाम कैंडीज़ बना ली हैं। और यहाँ पर मैंने पैन में घी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब ये गर्म होता है तो मैं इसमें फ्राई करना शुरू करती हूँ। जी हमारा घी गर्म हो गया है, मैंने एक डालकर चेक कर ली है, आपने मीडियम फ्लेम पर करना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरा भी मैंने डाल दिया, बिल्कुल स्लो हमने करना है इसको, बहुत ज़्यादा हमने तेज़ पर नहीं करना है इसको फ्राई, बहुत एहतियात के साथ ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। हल्का हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। लीजिए जनाब हमारी बहुत ही मज़ेदार मिंस कैंडी बनकर हो गई हैं तैयार। जल्दी से बच्चों को बुला लें ताकि ये वीडियो देखकर वो आपसे फरमाइश कर सकें कि हमें भी ये बना दे। तो अगर रेसिपी पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़।